नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज दो लैटरिंग हैं, एक बाथरूम है, टंकी कनेक्शन के साथ दिखाने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे कैसे कनेक्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये देसी जुगाड़ वाला ग्राइंडर से कटिंग किया है जिससे धूल मिट्टी ना उड़े। आप देख सकते हैं, काट सकते हैं। इधर साइड में जो है बाथरूम है, इसमें इंडियन सीट है, इसमें अंग्रेजी सीट लगेगा, अभी लगा हुआ है नहीं। इसकी पॉइंट बनाने वाले हैं, पॉइंट बनाकर छोड़ देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को सब दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। देख सकते हैं जीरी साफ हो गई है कटिंग करके, तो आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें एक सावर लगाने वाले हैं, इधर गीजर का पॉइंट दिए हैं, इधर एक बेसिंग का लिए हैं, ये बीच का बेसिंग है। और ये इंडियन सीट है, इसके पीछे एक सिस्टम टैंक लगेगा। तो आप देख सकते, चलिए बाहर। ये है फिटिंग का सामान, ये दो कंसील है, कंसील ले करके टेफ्लॉन टेप लगा कर कसने वाले हैं। ये दो कंसील, इसमें एफटीए लगा कर टेफ्लॉन टेप लपेट कर कसने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं टेफ्लॉन टेप लगाते हैं, इसलिए कहीं से लीकेज ना करें। जब भी आप टूटी हो या एंगल का कंसील या पाइप को लगा रहे हैं, जो कनेक्शन पाइप होती है, अगर कहीं से पानी लीकेज करे तो टेफ्लॉन टेप लगा कर प्रॉपर उसको टेफ्लॉन टेप लगा कर फिर इसके बाद लगाएं, तो कहीं से लीकेज नहीं करेगा। लीकेज करने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरह लगा देंगे और कस देंगे, प्रॉपर पूरा टाइट कर दें, क्योंकि ये दीवार के अंदर रहता है। अगर लीकेज किया तो टाइल टूट सकती, टाइल जो है तोड़ना पड़ेगा बाद में। कस्टमर जो है जिसके यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा हम टाइल लगवाएंगे इसके ऊपर। हमने कहा कि मिक्सर का पॉइंट बना दे, पर उन्होंने कंसील ही लगाने के लिए कहा, क्योंकि कंसील थोड़ा सस्ता पड़ जाता है मिक्सर के मुकाबले। तो हम कंसील का ही लगाने वाले हैं, जिसको कंसील एक साबर में लगाएंगे और एक जो है कि टंकी का पानी का जो है लगाने वाले हैं। और जो गीजर लगाएंगे, गीजर का पॉइंट है उसको सिर्फ टूटी में ही मांगे हैं, साबर में नहीं लेकर जाएंगे। तो इस तरह से आप भी लगा, जब भी आप भी लगाएं तो टेफ्लॉन टेप लगा कर प्रॉपर कस दें। अगर हो सके तो सफ़ेदा जो है सफ़ेदा धागा लपेट कर आप लगाएं, तो इससे भी मजबूती आ जाती है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें और छोड़ कर ना जाएं। मैं इस वीडियो में पूरा सब कुछ ए टू जेड बताने वाला हूँ कि आप किस तरह लगा सकते हैं, किस तरह नहीं लगा सकते हैं। मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर तो व्यूज आ रहे हैं, लेकिन पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। तो व्यूज तो बहुत आते हैं पर सब्सक्राइबर जो है नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हौसला बढ़ता है। मैं इसमें जो है कि सीबीसी पाइप 1 इंच का लगाने वाला हूँ, जितना भी है सीपीवीसी 1 इंच का, क्योंकि गीजर लगाने वाला हूँ। जब गीजर लगता है तो पानी काफ़ी 70 सेंटीग्रेड 80 सेंटीग्रेड गीजर का पानी होता है, तो उसके लिए सीपीवीसी हमने पूरा ही लगा दिया है। और टंकी में जो कनेक्शन करेंगे वो 1 इंची का पाइप का कनेक्शन करने वाले हैं, जिससे टंकी जो है लैट्रिन के ऊपर ही बैठाने वाले हैं।
तो जो है कि प्रेशर थोड़ा कम आएगा। तो टंकी आप देख सकते हैं प्रिंस कंपनी के फोर लेयर है, तो टंकी को मैंने छेदा करके उसके अंदर जो है टैंक में जॉइंटर को कस दिए हैं, टैंक जॉइंटर कस दिए हैं। आप देख सकते हैं टैंक जॉइंटर कसने के बाद जो है कि अब चल के इसके बाद हम आपको ऊपर दिखाने वाले हैं और टंकी का कनेक्शन करने के बताने वाले हैं कि टंकी का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ ए टू जेड। हाथ से आप कंसील को जो है कि कसेंगे तो प्रॉपर टाइट नहीं होता है, सिलाई रेंज का मदद लेकर आप भी प्रॉपर टाइट कर दें, जिससे दीवार में लग जाने के बाद बाद में क्या होता है कि दो चार महीने के बाद जो है लीकेज आना सिलन आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय जो है पाल्टी अपना भी बदनामी काफ़ी बहुत बुरी तरह हो जाता है, इसलिए जो है पूरे जहाँ तक हो सके प्रॉपर टाइट करें। अब इतना भी ना टाइट कर दीजिए कि ब्रश एम्प्टी है फट जाए, तो एक अंदाज से कसिएगा। तो आप कस चुके हैं, अब आप लोगों को दिखाने वाले हैं टंकी का कनेक्शन और बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने छोट पाइप के टुकड़े काट लिए हैं, आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये टंक में हमने जॉइंटर जो है पहले कस लिया है सोल्यूशन लगाकर, जो है कि पहले टैंक के जॉइंटर में ये टैंक जॉइंटर 1 इंची का 1 इंची का पाइप टुकड़ा काटकर सोल्यूशन लगाकर इसको लगा दिए हैं। फिर इसके बाद यूनियन को लगाने वाले हैं। यूनियन इसलिए लगाते हैं कि टंकी की साफ सफाई करना हो, अलग करना हो, इसके लिए यूनियन लगाते हैं। यूनियन से आसानी से टंकी को जो कि अलग किया जाता है। तो आप इसके बाद पाइप का ये बाल है, बाल पहले टाइप पाइप का टुकड़ा छोटा लगाएंगे, फिर इसके बाद बाल लगाएंगे। बाल लगाते हैं इसलिए कि जो है पानी का अगर कभी कभार हम लोगों को जो है टंकी के पानी को बंद करना होता है और वो ये टूटी टूट जाती है, टूटी नहीं लगानी है। और टाइल का मिस्त्री जब आते हैं तो टोटी निकालते हैं, तो इसके लिए बाल लगाते हैं जिससे पानी की सप्लाई को बंद किया जाए। जिस तरह बिजली में EMCB लगी रहती है उसी तरह ये भी उसी काम है। और ये एयर का काम करने के लिए ये टी लगा रहे हैं, टी लगाकर कनेक्शन कर दे रहे हैं। और इस तरह एक पाइप उठाए हैं क्योंकि टंकी में एयर जाएगा, एयर जाएगा तभी पानी प्रॉपर जाता है। आप देख सकते हैं एयर थोड़ा टंकी से 2 फुट 1.5 फुट ऊपर रखें, एयर जब भी लगाएं आप तो टंकी से 2 फुट करीब ऊपर, 1 फुट 1.5 फुट ऊपर लगाएं जिससे टंकी जब भरे तो ऊपर से न आए पानी। एयर इसलिए आप लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर लगा दिए हैं। अब ये मोटर का जो 1.5 इंची का पाइप है जिससे मोटर जो का है जो आएगा ये बाथरूम में जाएगा, मोटर का जो है कंसील जो चलाएंगे, कंसील लगाए हैं साबर के लिए और एक टोटी में जो मांगे हैं उसके लिए हमने ये मोटर का पाइप 1.5 इंची नीचे ले गए हैं टंकी के साथ। और उन्होंने कहा कि मोटर की पाइप जो है बाहर से दूसरी तरफ से चाहिए, तो हम टंकी के पहले ही टी लगाकर जो है दूसरी तरफ ले गए हैं। आप लोगों को दिखाने वाले हैं, पूरी तरह बताने वाले हैं, तो कटिंग करने वाले हैं और टी लगाकर जिससे जब अभी इसमें इस जगह मोटर का कनेक्शन नहीं होने वाला, जब मोटर का कनेक्शन होगा तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि किस तरह से मोटर का कनेक्शन होता है। तो ये एल्बो लगाकर पाइप की कटिंग कर दे रहे हैं। अभी हमारे पास वो कटर नहीं है जिससे पाइप काटते हैं, अब ले लेंगे उसको भी, अभी तो हेक्सा ब्लेड से ही काम चला रहे हैं क्योंकि इससे क्या होता है काफ़ी बुरादे निकलते हैं। अब पाइप और टोटी में जाकर ये बुरादे फंस जाते हैं, हम लोगों को सफाई करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जो PVC वायर कटर होता है वो बेहतर होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों मोटर का ही पाइप है, इधर से उधर से अब ऊपर जो लेकर जा रहे हैं टंकी में गिराएंगे। पाल्टी ने बोला है कि बाहर से उनका मोटर का कनेक्शन देना है क्योंकि वो बाहर से क्लिप लगाकर अभी मोटर का कनेक्शन नहीं वो करवाएंगे, तो पाइप लगाकर वो भर लेंगे, इधर जो है टंकी में गिरा देंगे। आप देख सकते हैं ये टंकी के अंदर गिराने वाले हैं। टंकी में हम टंकी कनेक्शन नहीं लगाए हैं, डायरेक्ट पाइप को ही मोटर का कनेक्शन सीधा इसी में गिरा देंगे।
तो आप भी इस तरह गिरा सकते हैं, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। हमने इसको नहीं लगाया है, डायरेक्ट ही इसे गिरा दिए हैं सीधा, क्योंकि आधे इंची का ही, सिर्फ पौना इंची का ही होल किया, पौना इंच की पाइप जो प्रॉपर टाइट से जाए। तो आप देख सकते हैं ये मोटर का कनेक्शन हो गया। अब आप भी प्रॉपर सोल्यूशन लगाकर ही लगाएं, अगर सोल्यूशन में आप कमी करेंगे तो लीकेज करने की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। तुरंत नहीं लीकेज करेगा, कुछ समय के बाद लीकेज करेगा, बस हल्का हल्का आएगा। तो अब चलते हैं, ये ऊपर का कनेक्शन करते हैं। देखिए एयर का भी लगा दिए हैं, मोटर का कनेक्शन भी कर दिए हैं, इधर एक बाहर जो लगाए हैं ये बाहर से मोटर का पाइप जाएगा, और इधर पर पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं लगाए हैं। ये यूनियन बाल वाल को अभी बंद किए हैं, क्योंकि पहले पानी भर दे देंगे। अब से चलते हैं बाथरूम में दिखाने वाले, बाथरूम में हम आ गए हैं। अब पहले फिटिंग करते हैं, आप देख सकते हैं ये जो ऊपर से हम लाए हैं टंकी के पाइप, 1 इंची है और 1.5 इंची, और इसमें रेड्यूसर लगा कर हम 1.5 इंची में बनाने वाले हैं। इसमें दोनों पौना ही है, एक टंकी का एक रेड्यूसर लगा चुके हैं। अब ये जो है मोटर का है, मोटर की पाइप में जो है लगा कर बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। दो इसमें पाइपें हैं आ रहे हैं ऊपर से, सिर्फ मोटर का पाइप यहाँ से जाएगी सावर में जो 1.5 इंची का ही हुई है, और एक टोटी में मोटर का यहीं तक इसका भूमिका है। और टंकी की सप्लाई सभी जगह देने वाले हैं, लैट्रिन बाथरूम और बाहर एक देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आप लोग जब भी लगाएं कि क्लिप लगाते हुए साथ ना चलें, पहले लगा लें फिर इसके बाद फिटिंग देख लें फिर इसके बाद क्लिप लगाएं, क्योंकि काफ़ी जब तुरंत क्लिप लगा देते हैं पाइप जाम हो जाती है, तो दिक्कत समस्या काफ़ी आ जाती है जिससे लगाने में दिक्कत हो जाती है। हम अभी जो है कि क्लिप आखिर व लास्ट में लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं पहले देख लें चेक कर लें कि सही है कि नहीं। का वीडियो थोड़ा गड़बड़ा सकती है क्योंकि अंधेरा है, इसमें लैट्रिन में बाथरूम जो बना हुआ है इसमें खिड़की कहीं नहीं लिया है, रोशनदान भी नहीं है, तो मोबाइल का जो फ्लेक्स है उसी से काम चला रहे हैं आप देख सकते हैं। वैसे तो बाहर दिन है लेकिन प्रॉपर तरह उजाला नहीं है, तो आप लोगों को बता रहे हैं। सोल्यूशन लगा कर जो है ये रेड्यूसर लगाए हैं टंकी का 1 इंची से 1.5 इंची में बदलने के लिए। जब भी आप लगाएं रेड्यूसर ऊपर से नीचे में, एल्बो टाइप में न लगाएं, ऊपर से जब नीचे में डायरेक्ट में लगाएंगे तो बढ़िया प्रॉपर प्रेशर आएगा। हमने टंकी से 1 इंची का पाइप निकाला है और बीच में रेड्यूसर लगाकर 1.5 इंच में बदल दिया है, जिससे पानी का प्रेशर बेहतर मिल सके, क्योंकि टंकी लाइटरिंग के ऊपर ही बैठा है, जो बाथरूम बना है बाथरूम के ऊपर, क्योंकि हाइट के बहुत 8 फुट है, 8 फुट की हाइट पर आप जब पौना वैसे दो जब 1.5 इंची पर होने को हो जाता पर उतना प्रेशर साबर में नहीं आता। साबर में प्रेशर लाने के लिए 1 इंची से 1.5 इंची में बदले हैं, जिससे प्रेशर साबर को मिल जाए। वैसे टूटी वोटी में तो आ जाता जितनी सारी टूटियाँ हैं, तो प्रेशर लाने के लिए हमने इसको जो है बनाए। तो आप देख सकते हैं ये लैटरिन का टूटी है, ये इंडियन सीट है, इंडियन सीट के लिए हमने 1 फुट इधर से निकाल कर ब्रास टीमा लगाया है, और इधर आगे एक सादा टी लगाकर नीचे से लेकर जाकर इधर अंग्रेजी सीट लगानी है। उधर जो आप लोगों को दिखाना है एक बाथरूम और है इसके बगल में है, तो वहाँ पर लेकर जाने वाले हैं लगाकर सप्लाई यहीं से, तो नीचे से अंडरग्राउंड करके जो है लगाकर नीचे से उस बाथरूम में लेकर जाएंगे। पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि वहाँ पर पार्टी थी, इसलिए मैंने
वीडियो सिर्फ बनाई है, आवाज़ मैं बाद में दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पार्टी देखती है कि कैसा है कैसा नहीं। आप देख सकते हैं मैं क्लिप को लगा रहा हूँ। आप भी जब पहले फिटिंग कर लें आगे कुछ दूर तक, फिर इसके बाद क्लिप लगाएं, क्योंकि जब क्लिप लगा देते हैं तो पाइप लगाने में टी एल्बो जॉइंटर लगाने में दिक्कत काफ़ी आ जाती है। तो इस तरह पहले लगा कर चेक कर लें, इसके बाद आखिर में क्लिप लगाएं, इससे प्रॉपर फिटिंग हो जाती है। अगर 1-2-3 mm आगे पीछे है तब भी चल जाता है, 1-2-3 mm आगे पीछे अगर आपको करना है, जिससे टी लगाना है टी के अंदर अगर घुसेड़ना है तो जगह नहीं मिल पाता है, तो उस तरह अगर क्लिप नहीं लगाएंगे तो उसको बाहर निकाल कर फिर सेट कर देंगे। हाँ, टी लगाए हैं इसमें प्लग लगा कर कस देंगे, जिस तरह बिजली में जो प्लग आता है इसी तरह प्लम्बर में की फिटिंग में भी प्लग होता है, जिससे पानी बाहर ना आए। और प्लग इस तरह लगाते हैं, पानी बाहर ना निकले बंद करके रखते हैं, और उसमें प्लग का भूमिका होती है, वो बाहर के कहीं लेकर जाना हो तो उसके लिए प्लग लगाते हैं, वैसे प्लम्बर का भी काम यही होता है। तो आप देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड की तरफ से नीचे के जेरी काटे हैं, फर्श से लेकर जा रहे हैं दूसरे बाथरूम में। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पर मैं आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ एक एक बार, एक चीज़ें जिससे नए हो, नए इलेक्ट्रिशियन नए प्लम्बर भाई हो उन लोगों को दिक्कत ना हो कि कैसे फिटिंग करें कैसे ना फिटिंग करें। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके ना जाएं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ और आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। अब फिलहाल तो मैं इसमें भगाने का सिस्टम तो अभी नहीं है, मैं जानता हूँ भगा कर कुछ दिन में अभी उतना प्रॉपर चलाना एडिट करना नहीं जानता हूँ, धीरे धीरे सीख लूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों को भगा कर इसी वीडियो को 10 मिनट 8 मिनट में, जो 20 मिनट की वीडियो है उसको 8 मिनट में बता जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, छोड़ कर ना जाएं, फिर आप लोगों से यही गुजारिश है। ये आगे पाल्टी आई है, ये एक लकड़ी का जो है मोबाइल रखने के लिए बनाया गया है, तो ये फालतू का चीजें थी, हमने हटा दिया। तो आप देख सकते हैं टी लगाकर इधर एक जो है कि आगे जो इधर है गेट के सामने, इधर गेट है राइट साइड, तो राइट साइड का जो पाइप है ये आगे लगाने वाले हैं बेसिंग का पॉइंट जाएगा, और उधर इंडियन सीट के पीछे सिस्टम टैंक लगेगा, सिस्टम टैंक के पॉइंट के टी लगा कर लेकर जाने। देखिए अब बाहर ये निकालेंगे, इधर बेसिंग लगाना है। पहले आप लोग बिना सोल्यूशन लगाए कच्चा करके देख लें, कच्चा करने के बाद जब सोल्यूशन लगा देते हैं तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है, तो पहले बिना सोल्यूशन लगाए कच्चा कर लें, कच्चा करके फिर इसके बाद कटिंग फिटिंग करके सोल्यूशन फिर इसके बाद लगाएं, जहां आप लोगों को लगे दिक्कत गए, क्योंकि कोई कितना भी एक्सपीरियंस वाला हो जाए, हमको भी काम करते हुए करीब 4 साल हो गए, कहीं कहीं बहुत जल्द फिटिंग 2 घंटे का, 10 मिनट की फिटिंग कभी कभी आधे घंटे 1 घंटे लग जाती है फिटिंग करने में, तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं नए इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर भाइयों के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप लोगों को लगे या परेशानी हो दिक्कत हो तो वहाँ पर आप सिर्फ कच्चा करके देख लें, फिर इसके बाद सोल्यूशन को लगाएं, जिससे दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे मैं कहीं कहीं जो है इसमें तो आधा इंची और 1.25 इंची में, 1 इंची 1.25 इंची में फिटिंग में दिक्कतें नहीं आती है, ज़्यादा दिक्कतें आए 3 या 3 इंच फिटिंग पीवीसी में, जब 3-4 मंजिला का जो पाइप उतारते हैं लगाते हैं इधर से YT लगाते हैं तो दिक्कतें काफ़ी आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। आप लोगों को दिखाएंगे अगली साइड किस तरह पीवीसी का फिटिंग करते हैं, तो ये देखते हैं, ये अंग्रेजी बाथरूम है,
अंग्रेजी बाथरूम के लिए पीछे स्टैंडिंग लगा, इधर हैंड स्प्रे और जेट स्प्रे के लिए तीन टोटी देने वाले हैं, तीन पॉइंट बना लेने से। पॉइंट तो दो ही से काम चल जाता है, पर हम तीन लगाए हैं। पार्टी बोल रही थी दो ही पॉइंट बनाना है। फिर इसके बाद एक जो है कि हमको लगा कि एक पॉइंट बनाकर छोड़ देना है, छोड़ देने के लिए है का पता बाई चांस कोई दिक्कत आए आगे पीछे से जो है हैंड स्प्रे पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ये जो बाथरूम बना हुआ है ये काफी 6 फुट पे लंबाई पर है, चौड़ाई इसकी जो है 5 फीट है, तो इसलिए दिक्कत आ जाती। तो हमने इसमें तीन पॉइंट बनाए, पीछे एक सिस्टम टैंक है कर दिए हैं जो एक क्लिप लगा रहे हैं, और इधर दो है, एक जेट स्प्रे का है और एक हैंड स्प्रे का। ये जो हम लगा कर छोड़े हैं ये वाश बेसिन का है, तो इसमें एल्बो लगाकर, ब्रास एल्बो लगाकर प्लग लगाकर छोड़ देते हैं। ये इतना बाहर है क्योंकि इसके ये प्लास्टर हो जाने के बाद ये जो है कि पाल्टी ने प्लम्बर का हुआ काम करवाया है। पहले बोले थे, पूछे थे, तो पाल्टी ने बताया कि काम नहीं करवाना है। फिर इसके बाद पाल्टी ने कहा कि हमको करवाना है प्लम्बर काम, तो ये प्लास्टर के बाद जो है करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये बाथरूम है, हम आ गए हैं, लाइटिंग और बाथरूम का फिटिंग पूरा हो चुका है। अब बाथरूम में आते हैं, इसमें दो कंसील लगेगा जो राइट साइड का है, ये मोटर का पॉइंट है, और लेफ्ट साइड का है टंकी का पानी का लेकर जाने वाले। तो हम नीचे दिखा रहे हैं आप लोग किस तरह ये डबल एल्बो लगा कर छोड़े हैं, आप कंस कैसे बनाते हैं। अब जब भी ब्रास्टी लगाएं दोनों बराबर प्रॉपर नाप लें ठीक है कितने इंच पर आ रहा है, दोनों नाप कर फिर इसके बाद कंसील को लगाएं। कंसील के साइड पर एक तीर का निशान बना हुआ होता है, तीर का निशान जिस ऊपर रहता है तो ऊपर का तरफ ही लगाएं, जिस तरफ पानी जाने के लिए बना होता है। तो दोनों को नाप लें एक बराबर, इसके बाद कंसील को देख लें, देख रहे हैं कि लकीर किस तरफ बना हुआ है, ऊपर उसी तरफ ही जो है लगाएं। कंसील जब लगाते हैं तो देख कर ऊपर है या नीचे तीर का निशान देख लें, इस पर जो है दिया रहता है। इसके बाद लगाकर चेक कर लें सीधा या टेढ़ा नहीं है, जब सीधा टेढ़ा रहता है तो दिक्कत काफी, जब टाइल लग जाती है टोटी लगाने के लिए आएंगे तब दिक्कत को सामना करना पड़ता है कि हाँ टेपर में लग गया है। तो आप जब भी लगाएं थोड़ा काम लेट करेंगे चलेगा, पर आधा टेढ़ा रहता तो दिक्कत करता है। तो दोनों हम ब्रास्टी और कंसिल लगा देख जो है कि सेट कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है कि कंसिल लगाकर जो कंसिल ऊपर लगाए हैं ये इसमें साबर मोटर का पानी साबर में जाएगा, और नीचे जो ब्रास एल्बो लगाकर नहीं सादा एल्बो लगाकर ब्रास्टी लगाएं, ब्रास्टी से एक टोटी लगाएंगे जिससे बाथरूम में मोटर का पानी आए। इसमें कंसिल लगाने में काफ़ी डबल खर्च, वैसे पाल्टी पर जो लोग सोचते हैं काफ़ी कम बजट में कंसिल लगाने पर हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर मिक्सर पॉइंट लगाते हैं तो मिक्सर क्या करता है कि साबर में टंकी और मोटर का दोनों को पानी सप्लाई भेज देता है, साबर में चला जाता है और टूटी का भी काम करता है, तीनों मिक्स करके। इसमें क्या होता है कि सारे अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाने की वजह से बजट तो उतना ही जाता है, क्योंकि मैंने इसको जोड़ कर देख चुका हूँ। अगर टोटी आप लेंगे स्टील के तो 600 रुपये की आती है, 700 का ये कंसील आएगा 1100 रुपये की, तो आप जोड़ सकते हैं 1100 रुपये वो 600 रुपये ये 1600-1700 हो रहा है, और इसका डबल कर दीजिए 3400 और 3700-3500-3200-3200 ऐसे आता है मिक्सर पॉइंट। इसमें ब्रास स्टील लग रही है और एमटीए डबल लगा है, डबल इंटरेस्ट में सारा चिप सब चीज़ जोड़े तो रेट वहीं तक जाता है। पर पाल्टी को जो बताएं कि हाँ इतना ना इतना लगे तो पाल्टी नहीं बोलती है, पर हम लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हाँ कौन किस में कितना बजट लगता है। पर आप लोगों को बताने वाले हूँ, मतलब बता रहे हैं इसलिए क्योंकि कोई कोई पाल्टी काफ़ी अपने आप को काफ़ी समझदार समझते हैं कि हम
काफ़ी ये हैं। मैं आप लोगों को बस इतना बताने वाला हूँ, पार्टी जिस तरह कहती है उसी तरह ही काम करना चाहिए, क्योंकि पार्टी कुछ लोग आप अपने आप को काफी समझदार समझते हैं। हमने इससे पहले ही बताया था कि इसमें जो है कि फिटिंग करेंगे तो ये राज की बात है। तो आप लोगों को ये जो लगा रहे हैं गीजर का पॉइंट है, ये गीजर में एक टंकी का नल लेकर गए हैं और ऊपर गीजर लगेगा, गीजर से जो है नीचे आएगा टी आएगा। इसके बाद सॉकेट लगाएंगे, ब्रास वेल्व लगाकर साबर को दे देंगे। जब भी आप कंसल से ऊपर लगे तो 3 फुट के हाइट पर ही जो है साबर का कनेक्शन करें, और जो लिंटर्स छत जो है, छत से जो है बाथरूम की छत जो बना हो उससे करीब 6-7 इंच डाउन ही रखें। अगर आपका 7 फीट हो, 7.5 फीट छत जो है ये, तो इस तरह रखते हैं। इधर गीजर लगाते हैं तो सेलिंग से मैंने 2 फीट जो है नीचे लगाया है गीजर का पॉइंट, क्योंकि 20 लीटर, 17 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर और 25 लीटर का जो आता है कम ज़्यादा है, पर 2 फुट से 2.5 फुट के अंदर सभी गीजर आ जाते हैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हो इधर एक हम पॉइंट दे रहे हैं जो बेसिंग का है, नहीं बेसिंग का नहीं, वो बेसिंग का देने के बाद जो है कि